आई चंडीगढ़ और ये कि बीमारी ठीक नहीं होगी, तो लगता ही है कि बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन अब मुझे जैसे जो आपने डोज कम किया है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ शायद हम उस तरफ जा रहे हैं कि ठीक हो जाए। पॉजिटिविटी आ रही है अब जी, पॉजिटिविटी आ रही है। 5 महीने पहले विश्वास नहीं था ना। नहीं सर, जैसे जैसे दवाओं का डोज कम हो रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरा। दवाएं की डोज कम हो रहा है और शरीर अच्छा ही रह रहा है। जी जी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। जो ब्लीडिंग होती थी वो ब्लीडिंग नहीं है। दवा एलोपैथिक दवा का डोज कम हो रहा है। अच्छा, आपको तो ब्लीडिंग भी होती थी ना। जी जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस बेसिकली है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट मैं आपके माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे इससे सफर होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, और ये हमारा एक मॉरल ड्यूटी बनती है, आपकी भी बनती है कि आप लोगों को ये कहें कि आप आयुर्वेद में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भेजे भी हैं पेशेंट, आपका नाम लेके पेशेंट कुछ आए भी हैं, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को कराना चाहिए और बहुत पॉजिटिव रहना है आपने। सर मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि यदि मैं पूरी तरह से कंप्लीट ठीक हो जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं चूँकि चंडीगढ़ पीजीआई से मतलब मेरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ जो भी पेशेंट मुझे मिलेंगे मैं उनको बताऊँगा कि आप यहाँ पहुँचो, आप गंगाराम में जाओ, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी को दिखाओ आप, और उन्होंने मुझे कंप्लीट ठीक किया है। यदि मैं ठीक हो गया तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा और लोगों को ये मैसेज कन्वे करूंगा। ये मतलब मैंने ये मन में ठान रखा है सर। नहीं नहीं ठीक है, ये तो बहुत आप अच्छे इंसान हैं, आप मुझे मालूम है। लेकिन आप ये बताइए कि जो आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते थे पहले और अब आप 5 महीने से आयुर्वेदिक मेडिसिन पे हैं। जी जी जी, लेकिन एलोपैथिक दवा भी चल रही है सर उसके साथ साथ मेरी। अच्छा, पहले जब खाली एलोपैथिक चलती थी तब कैसा रिस्पॉन्स रहता था? रिस्पॉन्स सर ये है कि मतलब रिमिशन हो ही जाता था, करीब 1 साल 1.5 साल में रिमिशन हो जाता था। जी, फिर स्टेरॉइड देने पड़ते थे। जी, स्टेरॉइड देने पड़ते थे। अच्छा, और बाकी वैसे तबीयत कैसी रहती थी उसके साथ में? तबीयत तो सर ठीक रहती थी मेरी, तबीयत में कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। बस प्रॉब्लम यही थी कि रिमिशन होना बार बार बीमारी का, और उसकी वजह से दवा का डोज कंटिन्यूस सर बढ़ता गया, मेसाकोल भी बढ़ता गया, एजोरान का डोज भी बढ़ा और स्ट्राइड उन्होंने दिया। बीच में जब ब्लीडिंग बंद हो जाती थी तो फिर धीरे धीरे वो कंटिन्यूसली स्ट्राइड कम करते थे। मेसाकोल बढ़ता जा रहा था आपका? बढ़ ही रहा है सर। हाँ, आपने लेकिन मेरे पास आने के बाद तो मैंने घटाना शुरू कर दिया। आपने 1600 mg कम कर दिया है, अब मैं 3200 mg ले रहा हूँ सर। पहले आप 4800 लेते थे? जी, 4800 mg लेता था मेसाकोल, अब मैं 3200 ले रहा हूँ। एजोरान 150 mg लेता था, अब 100 mg ले रहा हूँ। मतलब आपकी इंग्लिश मेडिसिन कम हो रही है जी। पहले वो बढ़ने के ट्रेंड पे थी। जी जी जी।